हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका। नमस्कार, मेरा नाम है मौलिक चौहान और हम लोगों ने चालू किया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स वाला चैप्टर नंबर 1। अब उस लेक्चर के अंदर, प्रीवियस जो इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले, वो तो हम लोग बात करेंगे ही, और मोस्ट प्रोबेबली 100% केस के अंदर, ये लेक्चर के अंदर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये चैप्टर के अंदर बेसिकली लास्ट में बता दूंगा आपको याद रखने वाली कौन कौन सी चीज़ें और क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। हम लोग बात कर लेते पहले प्रीवियस लेक्चर के बारे में, कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात किया था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। तो बेसिकली प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारे पास एक सिंगल सेल है, ये सेल, इसके अंदर 46 क्रोमोजोम्स हैं। हम लोग सिर्फ ह्यूमन्स 46 एक एग्जांपल ले लेते हैं, ह्यूमन्स ह्यूमन्स कुछ 46 क्रोमोसोम्स है, जिससे आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट हो वो एकदम इजीली क्लियर रहे। फिर मैं बहुत ज़्यादा एग्जांपल वेरी करूँगा तो आप लोगों को भी मज़ा नहीं आएगा। तो 46 क्रोमोसोम्स है, उससे टोटल 4 सेल बने, मियोसिस डिवीजन हुआ, तो उससे जो 4 सेल बने ऐसे, X4 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 23 क्रोमोसोम्स वाले 4 सेल, और ये जो 4 सेल है ये ऐसे, सॉरी ये गलती से यार अच्छा नहीं ड्रॉ आ रहा है, एक मिनट, ऐसे हमारे पास टोटल 4 सेल बने। अब ये जो 4 सेल है, वो सारे जो 4 सेल हैं, ये फ्यूचर में स्पर्म बनेंगे, ऐसे स्पर्म का टेल आ गया। तो ये बेसिकली एक टाइप का गैमिट बनने का प्रोसेस हो गया। तो जो गैमिट बनने का प्रोसेस होता है उसको हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। जेनेसिस मतलब कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करना, कोई भी चीज़ को बनाना, तो गैमिट मतलब गैमिट को बनाना, तो गैमेटोजेनेसिस को, तो गैमिट की प्रोडक्शन की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। बहुत ही सिंपल है, जेनेसिस का मतलब है प्रोडक्शन करना, गैमिट गैमिट जेनेसिस को हम लोग, जेनेसिस को हम लोग प्रोडक्शन से रिप्लेस कर देते हैं, गैमिट प्रोडक्शन। तो गैमिट गैमेटोजेनेसिस बेसिकली गैमिट का प्रोडक्शन करवाना, तो उसको हम लोग कहते हैं। अब ये एक टाइप का मियोसिस डिवीजन हो गया है यहाँ पे। अब ये जो 23 क्रोमोसोम वाले 4 सेल हैं, वो स्पर्म बनेंगे। ये सेल को हम लोगों ने बोल दिया था मियोसाइट, मदर सेल, एम एम सी। और ये जो हमारे पास दूसरा है, हमारे पास ये जो ये स्पर्म, ये हमारे पास मेल गैमिट का स्पर्म है। और ये अब हमारे पास क्या है, तो एक मैच्योर स्पर्म के अंदर जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर अब ये कहाँ जाएगा, तो अब ये फीमेल ट्रैक के अंदर जाने के लिए रेडी है जब ये मैच्योर हो जाएगा। तो अब दूसरा पॉइंट आता है कि जब सारे गैमिट्स बन गए हैं, चाहे वो मेल गैमिट हो या फीमेल गैमिट हो, जब वो दोनों मैच्योर हो गए हैं, तो अब मेल गैमिट इधर जा सकता है फीमेल गैमिट के पास, या फिर दोनों ही एक कॉमन एनवायरमेंट के अंदर छोड़ दिए जा सकते हैं। तो दो सिचुएशन होता है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, कि सबसे पहला सिचुएशन क्या है, तो मेल गैमेट ट्रैवल करके जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, और फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये पहला हो सकता है। या फिर मेल गैमेट भी एनवायरमेंट में आ जाएगा, मतलब बाहर जो भी फ्रॉग के केसेस के अंदर वाटर होता है, तो वाटर के अंदर आ जाएगा, और फीमेल गैमेट भी वाटर के अंदर आ जाएगा, फिर मेल गैमेट फीमेल गैमेट को गैमेट के साथ फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन करेगा। तो ये दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है। अब इन दोनों केसेस के अंदर क्या है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये पहली वाली सिनेरियो होता है जो एडवांस ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर, कि जो मेल गैमेट होते हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जाना होता है, और ऑन द वे बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, फेगोसाइटोसिस होता है। फेगोसाइटोसिस मतलब बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव के सेल होते हैं जो स्पर्म को एकदम फॉरेन मान लेते हैं, और फिर उनको मारने लगते हैं, मतलब उनको खा जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसलिए जो मेल का, जो मेल के गैमेट काउंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू फीमेल। फीमेल यूजुअली ह्यूमन के केस के अंदर मंथली 1 एग प्रोड्यूस करती है। तो ये है मेल के केस में। कई बार क्या होता है, तो फीमेल मेल के केस के अंदर और फीमेल के केस के अंदर क्या है कि सपोज ये एक शैलो पॉन्ड है, तो यहाँ पे ये पूरा सब ऐसे वाटर से भरा हुआ है। से अच्छा ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, रुको अभी। तो ये हमारे पास एक शैलो पॉन्ड है ऐसे,
यहाँ पे ऐसे सब वाटर है। अब होगा क्या, तो यहाँ पे एक फ्रॉग है, फ्रॉग ने क्या किया, तो जो फीमेल फ्रॉग है उसने अपने एग यहाँ पे डाल दिए, फिर यहाँ पे मेल फ्रॉग है यहाँ पे कहीं पे, तो उसने क्या किया, तो उसने अपने सारे मेल गैमेट यहाँ पे डाल दिए। तो अब क्या होगा, वाटर के अंदर एक फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट है और एक मेल गैमेट भी प्रेजेंट है, और अब ये दोनों फ्यूज करेंगे एक एनवायरनमेंट के अंदर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर, और फिर ये सिनेरियो भी हो सकता है, तो ऐसे गैमेट ट्रांसफर हो सकता है। अब दूसरी बात आती है फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन बेसिकली अगर इनसाइड बॉडी होता है, फीमेल फीमेल बॉडी के अंदर 99% केसेस के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। तो अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है तो हम लोग उसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अगर बॉडी के बाहर होता है तो हम लोग उसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये भी एक चीज़ है। अब हम लोगों ने बात किया, ये तो ये एक टाइप का एग्जाम्पल है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल आप लोगों को पता ही है, ह्यूमंस, आप लोग होशियार हो एकदम, एक नंबर लाते हो ये सारी चीज़ों में। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद आता है जाइगोट, ये सपोज फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये है एक मेल गैमेट, ये है फीमेल गैमेट, अब ये दोनों फ्यूज कर गए और ये बना लिया हमारे पास एक जाइगोट। तो ये दोनों ने फ्यूज कर लिया और ये बना लिया जाइगोट। अब ये हमारे पास क्या सीन था, तो ये जो मेल गैमेट है वो हैप्लॉइड है, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो एक 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 ही है सारे, तो 23 क्रोमोसोम्स यहाँ से। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है तो हम लोग उसको एन से डिनोट करते हैं, एन से, ठीक है। तो ये हो जाता है हैप्लॉइड एन, फिर फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड है तो ये भी हो जाता है एन। अब ध्यान से समझना कि मेरे पास ये एन है, ये एक, इसके अंदर टोटल 23 सारे एक 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 क्रोमोसोम है, सामने से 23 दोनों फ्यूज हो गए, तो दोनों के अंदर एक नंबर का क्रोमोसोम दो बार, दो नंबर का क्रोमोसोम दो बार, तो सारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो गए। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, 2n। 2n किसके लिए हम लोग लिखते हैं, डिप्लॉइड के लिए। तो जो जायगोट होता है वो डिप्लॉइड होता है, और जायगोट, फिर जायकॉट हमेशा सारे सेल के अंदर डिप्लॉइड होता है, सारे फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर जायगोट डिप्लॉइड रहता है, और फिर जो सारे गैमिट्स होते हैं वो सारे हैप्लॉइड होते हैं और सारे जायगोट डिप्लॉइड होते हैं। ये एक एक नंबर की बात है, ये सारा याद ही रखना है, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ इट इज। तो ये है जायगोट। अब फिर जायगोट तो बन गया, जायगोट तो सिंगल सेल है, उसके अंदर ऐसे न्यूक्लियस व्यूक्लियस सब बन गया। अब इसको हमें एक मैच्योर सेल के अंदर बनाना है तो कंटिन्यूअसली इसको एक डिवाइड करवाना पड़ेगा, तो उसके पहले जाइगोट को एक, ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करता जाएगा तो इन बिटवीन एक फेज आता है जिसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो। तो जाइगोट कंटिन्यूअसली डिवाइड करके फिर बनता है एम्ब्रियो, और फिर एम्ब्रियो से वो डिवाइड करेगा कंटिन्यूअसली, और फिर वो क्या करेगा, सेल डिफरेंशिएट करेगा। जैसे ह्यूमंस के अंदर कुछ सेल का काम है कि वो किडनी बना लेंगे, कुछ सेल का काम है लीवर बना लेंगे, तो हमारे पास 10 लाख सेल हो तो उसमें 5 लाख सेल को बोल दिया कि आप किडनी बना लो, 5 लाख को बोल दिया आप हार्ट बना लो, 5 लाख को बोल दिया आप लंग्स बना लो, आप लीवर बना लो, तो ऐसे सारे 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 सेल को काम डिवाइड कर लिया जाता है और फिर वो अपना अपना काम करते रहते हैं। तो ये प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। पहले एक कॉमन सेल है जिसका कोई फंक्शन अभी डिसाइड नहीं हुआ है, और फिर अब इसने एक काम पकड़ लिया कि अब मैं सिर्फ किडनी का काम करूंगा, मतलब बेसिकली ब्लड फिल्टर करने का काम करूंगा, तो ये प्रोसेस हो जाता है सेल डिफरेंशिएशन। जैसे 10th तक तो सब लोगों को सेम ही कोर्स होता है, फिर 10th के बाद कैसे सब लोगों की लाइन अलग अलग हो जाती है, एक मैथ्स वाला हो जाता है, एक बायो वाला हो जाता है, एक कॉमर्स वाला हो जाता है, तो सब लोगों ने अपने आप को डिफरेंशिएट कर लिया। वैसे ही एक नॉर्मल स्टेज तक तो सारे सेल का ग्रोथ सिमिलर है, फिर वो ग्रोथ के बाद, वो स्टेज के बाद क्या होगा, तो वो जो सेल है वो सेल के अंदर कुछ चेंजेस होंगे, फिर वो अपना अलग काम कर लेगा। तो ये प्रोसेस होता है सेल डिफरेंशिएशन। और फिर ये आता है ओविपेरस वीविपेरस। अब ये डेवलपमेंट के बेसिस पे है कि ओविपेरस और वीविपेरस किसको बोलते हैं। ओविपेरस मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हैं,
इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। विविपेरस मतलब जो जायगोट होता है वो फीमेल बॉडी के इनसाइड बनता है, और इसको हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ जायगोट इनसाइड फीमेल बॉडी, मतलब जो जायगोट है उसका डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर होगा, और ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है। अब लास्ट है हमारे पास प्लांट्स के केस के अंदर। अब प्लांट्स के केस के अंदर क्या होता है, तो पोलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। पोलन ग्रेन्स एयर के थ्रू या कोई मीडियम के थ्रू, कोई वेक्टर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हुए जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं, ओवरी के अंदर जाते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, और फिर जायगोट बनता है। तो पोलन के अंदर ये सारी कुछ चीज़ें याद रखने को, जो ओवरी है वो फ्रूट बनेगा, ओव्यूल्स है वो सीड बनेगा, और पेरिकार्प है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनेगा। तो यहाँ तक है हमारा आज का चैप्टर, ये बहुत ही इजी चैप्टर है। लास्ट डायग्राम है जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, जो एनसीईआरटी के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर लास्ट डायग्राम है, वो डायग्राम पूछते ही पूछते हैं, तो उसको एक बार देख लेना कि क्या चीज़ें हैं। अब प्लांट्स के अंदर हम लोगों ने इतना डिटेल में नहीं इसलिए देखा है क्योंकि ये जो प्लांट्स का इसका नेक्स्ट चैप्टर है पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं, तो इसलिए हम लोगों ने प्लांट्स के बारे में इतना सब नहीं देखा है डिटेल के अंदर, वो हम लोग डेफिनेटली वो सारी चीज़ें देख लेंगे। तो ये है हमारे पास रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स वाला चैप्टर। अभी भी हमारे पास कुछ टाइम बच रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हाँ, ओविपेरस मतलब एनिमल जो एग ले करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। विविपेरस के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो इंटरनल सॉरी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट इंटरनल होता है। अब डेवलपमेंट भी यहाँ पे है, डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट वाला एक स्लाइड था, कोई बात नहीं, तो डेवलपमेंट वाला स्लाइड हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे। तो डेवलपमेंट जो है, कोई भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट दो तरीके से हो सकता है। अगर उस ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट इनसाइड द बॉडी होता है तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल डेवलपमेंट, और फिर अगर उसका डेवलपमेंट आउटसाइड द बॉडी होता है तो हम लोग उसको कहते हैं एक्सटर्नल डेवलपमेंट। अब इंटरनल डेवलपमेंट और एक्सटर्नल डेवलपमेंट में बेसिकली डिफरेंस क्या है, तो इंटरनल डेवलपमेंट के अंदर सेफ्टी ज़्यादा होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म जो डेवलप हो रहा है वो एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में होता है, तो जो सक्सेस रेशियो है कि बर्थ के बाद वो जो बेबी है या जो ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करेगा, तो ये होता है इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे फैक्टर रोल प्ले करते हैं, जैसे सबसे दो बड़े फैक्टर होते हैं, एक होता है एनवायरनमेंट और दूसरा होता है प्रीडेटर्स। अब एनवायरनमेंट बेसिकली ये चीज़ है कि अगर गर्मी ज़्यादा हो गई तो किसी के अंडे ख़राब हो जाएंगे, अगर ठंडी ज़्यादा हो गई तो अंडे ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर के बेसिस के ऊपर सेक्स डिसाइड किया जाता है। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो मेल सेक्स होता है, टेम्परेचर कम है तो फीमेल सेक्स होता है, तो टेम्परेचर के ऊपर सेक्स डिसाइड किया जाता है बेसिकली रेप्टाइल्स के केसेस, रेप्टाइल्स के कुछ केसेस के अंदर। तो ये है डेवलपमेंट के अंदर। अब दूसरा है प्रीडेटर, जैसे बहुत आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा सांप एक अंडा खा जाता है, तो वो अंडे के अंदर भी एक लाइफ है, तो वो अंडा बेसिकली क्या है, तो वो अंडे के अंदर भी एक लाइफ है, उसके अंदर भी एक ऑर्गेनिज्म पल रहा है, तो वो फिर कहाँ गया, वो फिर मर गया। तो ये सिचुएशन होती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के केसेस के अंदर। अब जो इंटरनल है उसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस है वो बहुत कम होते हैं, यूजुअली 1 और 2 होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं, मतलब ज़्यादा होते हैं पर मतलब यूजुअली नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उसे नंबर में काउंट नहीं करेंगे, मोर और लेस बोल देंगे, क्योंकि फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब तीन तीन चार चार हो जाते हैं। तो ये हमारे पास है इंटरनल डेवलपमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस है वो कम होते हैं, एक्सटर्नल डेवलपमेंट के अंदर ज़्यादा होते हैं। जैसे आप लोग देखो कि एक फ्रॉग है, तो फ्रॉग के अगर आप एक उसका पॉन्ड साइट देखोगे जहाँ पे वो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो आपको बाकायदा स्पर्म उसके तैरते हुए दिखेंगे, बहुत सारे स्पर्म होते हैं, बहुत सारे फीमेल गैमेट होते हैं, तो आपको दिखेगा वो सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें दिखेंगी एकदम आपको। अब थोड़ा सर्च करना, आपको नेट पे भी मिल जाएगा, मेरे पास फोटो नहीं है, मैंने मेरे टाइम पे थोड़ा देखा था, इसलिए मेरा प्रोजेक्ट था इसलिए मैंने थोड़ा इस पे स्टडी किया था। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर
जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट एक रोल प्ले करता है और प्रीडेटर एक रोल प्ले करते हैं, तो इस वजह से एक्सटर्नल डेवलपमेंट के अंदर रिस्क ज़्यादा होता है, रिस्क ज़्यादा है तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा डेवलप होने चाहिए। तो ये चीज़ है कुछ इंटरनल डेवलपमेंट एक्सटर्नल डेवलपमेंट के अंदर। इंटरनल डेवलपमेंट को हम लोग वी वी पेरस बोलते हैं, एक्सटर्नल डेवलपमेंट को हम लोग ओ वी पेरस बोलते हैं। एग्जाम्पल आप सब लोगों को पता ही है, आप सब लोग 10th में बहुत अच्छे मार्क्स लेके 12th में आए हो। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मास्क पहन के बाहर जाया करिए, थैंक यू। तो ये वीडियो लेक्चर मैं ख़त्म कर रहा हूँ अभी।